हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अगर अपना एयरटेल सिम कार्ड पीयूके कोड मांग रहा है, अगर आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो गया यानी पीयूके कोड मांग रहा है तो उसका पीयूके कोड किस तरीके से निकाले, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये डायल पैड ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एंटर करना है *121*51#। उसके बाद आपको कॉल बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपने सिम कार्ड को एयरटेल सिम कार्ड पर क्लिक करना, जो आपका सिम कार्ड एयरटेल रहेगा। उसके बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आएगा, वेट करना है आपको। तो गाइस, उसके बाद ये आपको ऑप्शन आएगा, इसमें है ये अपना पीयूके निकालने के लिए नंबर 3 का ऑप्शन चूज करना है। नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 पे जो भी है, नंबर 3 पे पीयूके का आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेंड का बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, अपने लिए चाहिए दूसरे के लिए चाहिए। तो अगर अपने लिए चाहिए तो आपका ऑलरेडी फ़ोन ओपन है, तो आपको नंबर 1 क्लिक करना है, नंबर 1 क्लिक करना है, अदर दूसरे के लिए। उसके बाद आपको सेंड का बटन दबा देना है। सेंड का दबाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको एंटर करना है मोबाइल नंबर, जिस सिम का आपको पीयूके चाहिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये नंबर, आप जिस सिम कार्ड का आपको पीयूके चाहिए उसका नंबर डालने के बाद आपको सेंड का बटन दबा देना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप वही डालना है जिसके नाम पे सिम कार्ड रहेगा, ये बात याद रखना। जिसके नाम का आपका सिम कार्ड रहेगा उसी का डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जैसा कि मैंने ये एंटर किया है। उसके बाद आपको सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है। सेंड के बटन पर अगर आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका पीयूके सामने आ जाएगा। इसका आपको एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, जैसा कि मैंने लिया है। ये आपका नंबर 1 पीयूके, नंबर 2 सेकंड पीयूके, और आपका मैसेज में भी आपको मैसेज के थ्रू भी आपको एक पीयूके आ जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका, आप जब मैसेज बॉक्स ओपन करोगे मैसेज, तो यहाँ पे जब आपका एयरटेल का जो मैसेज है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपका ये पीयूके आ गया है। 2 पीयूके रहेगा गाइस, सो दोनों में से आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक डालोगे। पीयूके डालने के बाद आपको आपका जो पीयूके डालने के बाद 4 डिजिट का पिन रहेगा, वो पिन चूज़ करना है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 या 0000। सो गाइस, अगर इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जहान टेक्निकल को। ऐसी नई नई वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।